तो माइक टेस्ट शुरू हो गया क्या? हाँ, तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यूली फ्रेश वीडियो ऑफ डेविल साइड गेमिंग। नहीं है यार, क्या रे कुंडा बनेगा रे तू। गाइस, FX एम गॉड वाई टी चैनल है मेरा, FX एम गॉड वाई टी नाचो। थोड़ा हार्ड सा होके, थोड़ा जेंटल सा होके, थोड़ा सेंटी सा होके, थोड़ा मेंटल सा होके, सारे 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 नाचो 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 जब डर सताने लगे, नाचो 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 जब भूख सताने लगे, नाचो 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 हर हर ना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अरे क्या बोल रहा हूँ। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ भिंडी समोसा। अरे अरे अरे, नहीं, भिंडी समोसा नहीं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ FFCO टूर्नामेंट। मैं कहाँ से लेके आया हूँ? अपने फॉरेस्ट लीव लेके आया हैं भाई। तो इनकी आवाज में सुनिए क्या लेके आए ये। भाई गजब बेइज्जती है, सारा टूर्नामेंट मैं करा रही हूँ लेकिन सारा क्रेडिट तू लेके जा रहा है। दोस्तों, जनता माफ नहीं करेगी, तू भगवान से डर। तो गाइस, भिखारी का चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज, और हमारे चैनल का प्राइज लूटने के लिए, मतलब हमारे चैनल नहीं, हमारे टूर्नामेंट का प्राइज लूटने के लिए रेडी रहना गाइस। 30 तारीख को मैच है FFCO। जो फ्री फायर का सिटी ओपन टूर्नामेंट है वो होगा रीजन वाइज। जैसे रीजन वाइज होता है ना, सिटी सिटी को ये लोग पता नहीं स्टेट कंसीडर कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश एक रीजन हो गया, और ये रीजन सिर्फ 29 रीजन है हमारे में। जैसे स्टेट 29 तो रीजन भी 29 होंगे, लेकिन ये जो फ्री फायर वाले हैं ये सिर्फ 8 रीजन सेलेक्ट कर रहे हैं, 8 रीजन मतलब। तो अपना रीजन सेलेक्ट करवाने के लिए आपको फ्री फायर की वोटिंग करनी हो, मतलब वो रीजन को वोट करना पड़ेगा। तो वोट करना भी अभी मैं आपको सिखा दूंगा। तो तब तक के लिए आप हमारा आगे का वीडियो देखिए। वोट करना मैं आपको लास्ट में सिखा दूंगा अपने रीजन के लिए। तो बस अभी आप इतना समझ लो कि ये जो फ्री फायर सिटी टूर्नामेंट है ये रीजन वाइज होगा, और आपको अपने रीजन से टॉप आना होगा। मतलब मैच डे वाले दिन अपने रीजन में अगर आप टॉप करोगे तो आप सिलेक्ट होगे और सीधे फाइनल्स में जाओगे। 8 रीजन से 8 टीमें फाइनल में आएंगी, फिर जिनका मुकाबला होगा, ऐसे ऐसे पॉइंट्स टेबल मिलेंगे, जो लास्ट में टॉप पे आएगा वो जीत के खत्म काम। अब बात आती है कि आपको इस FF सिटी ओपन में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो 26 तारीख को आपका एक नया मोड खुल जाएगा ऊपर, जहाँ पे आप नीचे मोड वगैरह लगाते हैं ना, सोलो डुओ स्क्वाड, उसके नीचे एक ट्रॉफी सी बन के आ जाएगी रेड कलर की, जो कि आप पहले टूर्नामेंट खेले होंगे तो पता होगा। नहीं तो फिर आपको एक अलग सा जो भी आइकन दिखे सोलोवर से नीचे उस पर क्लिक कर लेना, नहीं तो फिर आप फ्री फायर का वीडियो देख लेना, अभी आने वाला है, 2 दिन में आ जाएगा। तो गाइस, 26 तारीख सर 30 तारीख तक चलेंगे, 30 तारीख को 4 बजे तक चलेंगे सर रजिस्ट्रेशन, सुबह 4 बजे तक, ठीक है ना। तो गाइस जल्दी से अपनी टीम तैयार रखिए, और मैंने तो अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। और मैच डे कैसे होगा, 30 अप्रैल को, जो अभी 30 अप्रैल है, उसमें आपके 8 मैचेस खेलने होंगे। आपको 8 टिकट्स मिलेंगे, तो आपको 8 मैचेस खेलने होंगे शाम को 4 बजे से रात को 9 बजे तक, ठीक है ना गाइस। रात को 9 बजे तक आपको खेलने पड़ेंगे 8 मैचेस, तो हो जाएंगे आराम से। और मतलब मेरी मानो तो गाइस, आपको सेलेक्ट करना है तो ये मान के चलो आपको 8 में से 5 बिया करने हैं। तो गाइस बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट सेक्शन पूरा आपका है। तो गाइस अगली फोटो की तरफ चलते हैं ताकि आपको और समझ में आए। तो गाइस, हर टूर्नामेंट की तरह इसमें भी एक रिक्वायरमेंट है, आपकी मिनिमम लेवल 40 होनी चाहिए इंटर FFCO लॉगिन। मतलब अगर आपकी 40 लेवल नहीं है तो आप इंटर ही नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस, नए नए बंदे यार अभी अच्छे नहीं खेल पाते होंगे, तो ऐसे तो अगर नए नए बंदे किसी के मैच में आ गए तो यार ऐसे तो कोई हाल पॉइंट्स कलेक्ट कर लेगा, एक ही मैच में 20-20, 40-50 किल कर देगा। गाइस अभी 40 लेवल करी है, बाद में ये हाई भी हो सकती है। और सेकेंड रिक्वायरमेंट है आपकी मिनिमम रैंक डायमंड फर्स्ट होनी चाहिए, या फिर रैंक पॉइंट होने चाहिए 2538, मतलब प्लेटिनम 4 एकदम लास्ट। प्लस आई डायमंड 1 2600 पे होती है, तो समझ जाओ कितना चाहिए, 260 या शायद 2550 पे होती है, कुछ पता नहीं है। वैसे डायमंड फर्स्ट कर लेना ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ी कैम कर लेना अगर नहीं हो पाई। और वैसे थर्ड है आपकी एज होनी चाहिए 12 से ज़्यादा, मतलब अगर आप 6-7 साल के हो, 6-7 साल के फ्री फायर कैसे खेले, 10-11 साल के हो, मतलब बच्चे हो, तो गाइस आप नहीं खेल सकते। मतलब आपको 12 से ज़्यादा होना चाहिए, 12 का नहीं, 12 से ज़्यादा, मतलब 12 के हो, 13 के हो चुके हो आप, समझ लो इतना। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि मान लो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, मान लो अगर तुक्के में क्वालिफाई कर गए
और उन्होंने फिर निकाल दिया तो आपको बुरा लगेगा। इससे बढ़िया मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 12 साल से ऐब अब हो तभी आप खेलना, नहीं तो फिर अभी तो आप खेल लोगे लेकिन फिर बाद में मान लो आप क्वालिफाई कर जाते हो अपनी मेहनत से और फिर वो लोग मना करें खेलने से तो बहुत बुरा लगेगा। इससे बढ़िया अभी मत खेलो अगर आपके 12 साल नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और अभी भी बोल रहा हूँ अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन आपका है। इंडिया में इतने सारे रीजंस है कि फ्री फायर वालों को आपकी मतलब सुननी पड़ी। तो गाइस अब क्या होगा कि अब 12 रीजन बनेंगे। 12 रीजन आप लोग नहीं सिलेक्ट करोगे, आप लोग सिलेक्ट करोगे सिर्फ 8 रीजन। 8 रीजन के बाद अगर फ्री फायर को लेगा 4 रीजन और कौन से बढ़ाने चाहिए तो वो बढ़ाएंगे। ईच रीजन विल नेम्ड आफ्टर देयर मेजर सिटी। जैसे कोई रीजन है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश रीजन नहीं बोलेंगे, उत्तर प्रदेश की कोई सिटी का नाम रख देंगे। जैसे आगरा रख दिया तो आगरा रीजन बोलेंगे उसको। तो आगरा वाले ये ना समझे कि हम लखनऊ वाले ये ना समझे कि हम आगरा रीजन में नहीं खेल सकते। आगरा लिखा है तो उत्तर प्रदेश वाले सब आएंगे, और अगर दिल्ली लिखा है या कनॉट प्लेस लिखा है तो दिल्ली वाले सब आएंगे। ठीक है, एक और रीजन हो गई। तो टू रिप्रेजेंट अ रीजन 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग द टीम कैप्टन मस्ट बी फ्रॉम द रीजन। तो बस एक और सबसे मेन जो चीज़ है, जैसे आप दिल्ली के हो कैप्टन मतलब IGL मतलब इन गेम लीडर जो आपको लीड कर रहा है, आपने नेम से रजिस्ट्रेशन किया दिल्ली टीम उधर लिखा आएगा कि ये वाला रीजन है आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो आप दिल्ली के ही होने चाहिए। वही बात आ गई, अभी तो आप खेल लोगे 8 मैचेस, क्वालिफाई हो गए तो निकालने में बहुत बुरा लगेगा। तो अभी मान लो जो आपका कैप्टन होना चाहिए वो जिस रीजन से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उस रीजन का होना चाहिए। जैसे मैनपुरी नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, मैनपुरी तो नहीं है, आगरा से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आगरा का ही होना चाहिए बंदा रहने वाला, या आगरा से कर रहे हो तो उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, समझ रहे हो ना। और बाद में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आधार कार्ड में लिखा होना चाहिए वाला रीज़न, जैसे उत्तर प्रदेश लिखा है तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए, नहीं हुआ या तो आप निकाल दिए जाओगे। टॉप 12 टीम डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रीजन टू वाइल्ड कार्ड फाइनल्स। क्योंकि जो लास्ट की टॉप 12 टीम होंगी वो फाइनल्स में जाएंगी। तो यही थी इन्फॉर्मेशन। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपने रीजन को वोट कैसे करना है, तो स्टे ट्यून गाइस। तो गाइस कल फ्री फायर वालों कल क्या परसों डाली थी एक पोस्ट डाली थी फ्री फायर वालों ने वोट फॉर योर रीजन। तो गाइस इसमें क्या होगा, रीजन डिसाइड होंगे, 4 रीजन फ्री फायर वाले खुद डिसाइड करेंगे, 8 रीजन जो है हम लोग को वोट करके डिसाइड करना है कि कौन सा रीजन से कौन सी टीम होनी चाहिए। वो फ्री फायर वालों ने कल वोटिंग लाइन डिसाइड कर दी थी, एक लिंक थी फॉर्म वाली वो उसको मैंने भर दिया था, उत्तर प्रदेश को वोट कर दिया था। ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश का एक अलग से होगा क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसको हाईएस्ट वोट्स आए होंगे वोट्स मतलब। तो आपको अगर वोटिंग सिस्टम नहीं समझ में आ रहा, FFCS में क्या होगा 12 रीजन्स बनेंगे वो जो कि मैंने बताया था पहले, उससे आपको मतलब सब नहीं बनेंगे क्योंकि 29 रीजन है। तो गाइस 29 टीम थोड़ी ना जाएंगी फाइनल्स, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गाइस 12 रीजन बनेंगे, जैसे फिर ऐसा होगा 4 रीजन्स का एक रीजन मतलब उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र मतलब इनका अलग तो नहीं होगा लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र दिल्ली और पंजाब का एक रीजन तो ऐसा होगा। तो इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो वोटिंग लाइन थी ये आज सुबह तक खुली हुई थी, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। तो आप वोट कर और आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वही वोट कर देते हैं अपने रीज़न को, लेकिन आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं है, कोई कैंसिल वैंसिल नहीं हुआ आपका खेलना, बस आपका रीज़न चेंज हो जाएगा। अगर मान लो आपका रीज़न वोटिंग में नहीं आया तो आपका रीज़न चेंज हो जाएगा, बस चेंज नहीं होगा मतलब आपका एक पूरा ग्रुप कर दिया जाएगा रीज़न का, वही मैंने पहले बताया था। तो कल अगर लिस्ट आ जाती है, अभी क्लोज नहीं है तो कल तक तो लिस्ट आ जानी चाहिए, कैलकुलेशन में टाइम लेगा। तो कल ही मैं अपनी लिस्ट इस पर डाल दूंगा शॉर्ट्स करके, तो आप देख सकते हैं। तो बेल आइकन दबा के रखिएगा, कल हो सकता है लिस्ट आ जाए तो मैं लिस्ट डाल दूंगा कि कौन कौन से रीज़न बनेंगे। और गाइस अभी तक आपको अगर ई-स्पोर्ट टूर्नामेंट स्क्वाड बनाने के प्रैक्टिस करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट्स बताना। और इस वीडियो में आपके लिए छोटा सा गिव अवे, आपको करना है 5 लोगों को ये वाला वीडियो शेयर और उनसे स्क्रीनशॉट ले लेना कि आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं। और सब्सक्राइब करने के बाद जिन जिन लोगों ने मुझे बता दिया नीचे कमेंट में जाके हाँ कि मैंने 5 सब्सक्राइब बढ़ा दिए, मेरे YouTube स्टूडियो में दिखता है अगर आपने नहीं बढ़ाए तो अगर आपने बढ़वा दिए तो मैं आपका नेम अगले वीडियो में लूँगा और अगला ये जो मैच चल रहा है ना वो आपके साथ खेलूँगा और आपके साथ वॉइस भी आ जाए उसमें, क्योंकि आप आजकल मैं थोड़ा 25 तारीख को सरप्राइज़ ला रहा हूँ। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय, प्रेस द बेल आइकन।